YouTube वेबसाइट को आप जानते ही हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं YouTube पर ही अपलोड करने वाला हूँ। और YouTube दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो होस्टिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट है। ये Google कंपनी की ही एक सब्सिडरी कंपनी है और इस पर करोड़ों लोगों ने अपने अकाउंट बनाए हुए हैं, कुछ लोगों ने वीडियो देखने के लिए, कुछ लोगों ने वीडियो अपलोड करने के लिए। इससे संबंधित एक केस आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुना गया। उसमें बॉलीवुड मूवी साहेब बीवी और गैंगस्टर के को प्रोड्यूसर राहुल मित्रा ने एक केस फाइल करते हुए यूट्यूब पर कार्रवाई करने के लिए कहा कि यूट्यूब ने अपनी वेबसाइट पर साहेब बीवी और गैंगस्टर मूवी को अपलोड किया हुआ है और उसके चलते राहुल मित्रा को जो है आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। उनके जो कॉपीराइट जो है एक्ट के तहत जो उनके राइट्स हैं उनका भी इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में अगले 48 घंटे में साहेब बीवी और गैंगस्टर नामक मूवी यूट्यूब वेबसाइट से हटाने का आदेश दिया है। ये चूंकि गूगल LLC की कंपनियां हैं तो गूगल LLC इस आदेश का पालन करेगी और उस वीडियो को हटाएगी। इसमें एक पक्ष ये था यूट्यूब या गूगल कंपनी की तरफ से कि यूट्यूब केवल एक प्लेटफॉर्म है और इस पर जो यूज़र हैं वो वीडियो अपलोड करते हैं और हम केवल एक मीडियम है, तो इसके चलते कार्यवाही उस व्यक्ति पे होनी चाहिए, उस यूज़र पे होनी चाहिए जिसने ये वीडियो अपलोड किया है। इस दलील के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव सक्कर, जिसके यहाँ ये मैटर सुना जा रहा था, उन्होंने अगले 5 दिनों में उस व्यक्ति को भी इम्प्लीट करने की बात कही है और उसको भी इस कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाएगा। चूंकि राहुल मित्रा जिनको जिनके राइट हैं इस मूवी के, उन्होंने ये कहा कि यूट्यूब पर मूवी अपलोड होने के चलते लाखों लोगों ने उसको देखा है और अब वो इजीली अवेलेबल है। इसके चलते अब उनको आर्थिक नुकसान भी हुआ है क्योंकि अब कोई भी ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट जैसे कि अमेजन या नेटफ्लिक्स उस मूवी के राइट्स नहीं खरीदेंगी, तो उसकी भी भरपाई की जाए। अगली सुनवाई इस केस की जुलाई में होगी और उसके बाद देखेंगे कि उसमें क्या दिल्ली हाई कोर्ट इसमें फैसला देता है, क्योंकि अगर इसमें कुछ लैंडमार्क जजमेंट आ सकती है ऑनलाइन कंटेंट के मामले में और आगे से जैसे हम यूट्यूब पर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे वीडियो होते हैं जो किसी के कॉपीराइट वीडियो होते हैं और कोई आदमी पार्ट में कोई आदमी फुल उसको अपलोड कर देता है तो कॉपीराइट एक्ट का वो इन्फ्रिंजमेंट होता है, लेकिन उसको किस ढंग से भारत में जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा या कितना इम्प्लीमेंट होता है उसको आगे आने वाले दिनों में हमें देखना है।